नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं फन तंत्र। ये वीडियो एकदम ध्यान से देखिएगा। क्यों? क्योंकि कोरोना से लड़ने की और उससे बचने की तो हम सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसा तरीका जिससे आप किसी कोरोना पीड़ित की जान बचा सकते हैं। कैसे? आइए इसे आसानी से समझते हैं। इस वक्त देश में किन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है बताइए, यानी वो चीजें जिससे लोगों को ठीक होने में मदद मिलेगी। ऑक्सीजन, अस्पताल में बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और प्लाज्मा। अब देखिए, इनमें से पहले चार, यानी ऑक्सीजन, बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर, इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आखिरी चीज यानी प्लाज्मा, ये हमारे ही हाथ में है। ये हमें हमारी ताकत का एहसास दिलाता है, बताता है कि कोविड से ठीक होने के बाद हम में से कई लोगों में ये ताकत है कि हम किसी और को कोरोना से ठीक होने में मदद कर सकें। प्लाज्मा डोनेट करके एक व्यक्ति दो लोगों की जान बचा सकता है। अब आप ही हिसाब लगाइए, देश में अब तक 1,60,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके। अगर उनमें से अब तक 10% लोग भी अपनी कंडीशन के मुताबिक प्लाज्मा डोनेट कर देते तो आज हम इस लड़ाई को और बेहतर ढंग से लड़ सकते थे। लेकिन अब भी देर नहीं हुई है मेरे दोस्त। जनवरी, फरवरी और मार्च 2021 के महीने में, याद रखिए, फिर से बता रहा हूं, जनवरी, फरवरी और मार्च 2021 के महीने में अगर आप में से या आपके पहचान में कोई ऐसा है जो कोविड से ठीक हो चुका है तो उससे कहिए कि अपनी कंडीशन के हिसाब से प्लाज्मा जरूर डोनेट करें और किसी की जान बचाने में मदद करें। वेल, आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते इसकी जानकारी आप अपने डॉक्टर से ले सकते हैं, वही डॉक्टर साहब जिन्होंने आपको ठीक होने में मदद करी। अगर उन्हें आइडिया नहीं होगा तो वो किसी और डॉक्टर साहब से पूछ के बता देंगे कि क्या आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं या नहीं। मैं ऐसे कई लोगों को पर्सनली जानता हूं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 5-5 बारी प्लाज्मा डोनेट किया। संजय चौधरी दिल्ली एम्स में काम करते हैं, 5 बार प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल शंकर जी 4 बारी, दिल्ली पुलिस से विपिन यादव 3 बार और सोशल एक्टिविस्ट दीपक शर्मा जी 4 बार प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। और इन सबका यही कहना है कि एक बार करके तो देखो, अच्छा लगता है। और आप ही बताइए, आज के टाइम किसी की जान बचाने से बड़ा पुण्य का काम कोई और हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी कसम खाएं, प्लेज करें, वादा करें एक दूसरे से कि जान बचाने के लिए एक दूसरे की आप प्लाज्मा जरूर डोनेट करेंगे, इसके बारे में ज्यादा जानकारी जुटाएंगे और भी लोगों को जागरूक करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं या फिर आपने प्लाज्मा डोनेट किया है तो कमेंट करके बताएं कि आपने किया है। कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर नहीं किया है और कोविड से ठीक हो चुके हैं और आपकी कंडीशन है प्लाज्मा डोनेट करने लायक तो आप प्लाज्मा डोनेट करेंगे, ये भी जरूर लिखिएगा। और एक और मुहिम के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा जिसकी शुरुआत हमने कल ही करी और कल के वीडियो में हमने आपको बताया भी कि कैसे ऑर्थोवेद हॉस्पिटल के साथ मिलकर एक ऑनलाइन कोविड कंसल्टेंसी हमने शुरू करी है। अब मेरा एग्जांपल ले लीजिए, पिछले दिनों मैं भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था। जब बीमार पड़ा तो शुरू में मैं काफी डर गया था, लेकिन सही समय पर ऑनलाइन कंसल्टिंग मुझे मिली, डॉक्टर से सही सलाह मिली, जिससे मैंने कोविड को घर पर ही हराया। मेरी पहली प्रायोरिटी थी कि भैया अस्पताल नहीं जाना है, इसलिए डॉक्टर साहब ने जो बोला मैंने वही फॉलो किया। उसी तरह जिसे माइल्ड कोविड सिम्टम्स है, अगर आपको माइल्ड कोविड सिम्टम्स है और उसे आप घर पर ही सही कंसल्टिंग के साथ ठीक करना चाहते हैं तो एकदम सही जगह पर ये वीडियो देख रहे हैं। हमारा कोविड केयर एट होम, कोविड के मरीजों या जिनके घर पर कोविड मरीज हैं उनको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन बातों का ध्यान रखते हुए हमने इसे शुरू किया है, जिसमें आपको एक फॉर्म भरना है बस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वो फॉर्म भरिए, हमारे ऑर्थोवेद हॉस्पिटल के डॉक्टर्स उनको स्टडी करेंगे और जल्द से जल्द आपको आपकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए एक ईमेल आएगा जो इंस्ट्रक्शन और मेडिकेशन आपको फॉलो करना है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप भी घर पर ही ठीक हो जाएं और हम में से किसी को भी अस्पताल का मुंह ना देखना पड़े। और अस्पताल की जो टीमें हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो सारे लोग उनकी सेवा कर सकें जिन्हें सचमुच अस्पताल की जरूरत है। हम सब मिलकर उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। यकीन मानिए, हमें डरना नहीं है और लड़ना है वाले एटीट्यूड से हम मिलकर कोरोना को हराएंगे। ये वीडियो जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी जरूर लाइक करें और इंस्टा पर देख रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपनी स्टोरी में भी। अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।